नगर परिषद सभापति ललिता समदानी को स्वायत्त शासन विभाग ने एक आदेश जारी कर उनके निलंबन का आदेश दिया है। स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के निदेशक व संयुक्त सचिव पवन अरोड़ा द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभापति ललिता समदानी के विरुद्ध पद का दुरुपयोग करने की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा प्रारंभिक जांच करवाई गई। जांच अधिकारी द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया अनियमितता होना पाया गया। ललिता समदानी के विरुद्ध लगाए गए आरोप काफी गंभीर प्रकृति के पाए जाने के कारण जो दुराचरण की श्रेणी में आते हैं, राज्य सरकार द्वारा उनके विरुद्ध राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 के अंतर्गत न्यायिक जांच करवाए जाने का निर्णय लिया गया है। ललिता समदानी के पद पर बने रहने से न्यायिक जांच प्रभावित होने की संभावना रहेगी, अतः राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने सभापति ललिता समदानी को सभापति व सदस्य के पद से तुरंत प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया। उधर दूसरी ओर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अपर पुलिस अधीक्षक सौभाग्य सिंह ने दर्ज मामले में सभापति ललिता समदानी के बयान दर्ज किए। राजेश सिसोदिया निवासी कावाखेड़ा ने एक परिवाद पेश किया है कि क्यारा के हनुमान जीपुर के पास में विश्रांति गृह जो निर्माण करने की जो योजना थी उसमें विश्रांति गृह बनाया नहीं गया और उसका पेमेंट उठा लिया। दूसरा कई सुलभ शौचालय बनाने थे, वो सुलभ शौचालय नहीं बना के उसको रिपेयरिंग में बता दिया और उसका पेमेंट लेकर प्रदूर कर दिया। इस आशय के परिवाद दर्ज होकर उसकी जांच के लिए यहाँ प्राप्त हुए जिला मुख्यालय से, उसमें जांच जारी है। इस संबंध में सभापति को वास्ते पूछताछ और अपने स्पष्टीकरण के लिए तलब किया गया।